जेट के जमीन पर खड़े विमानों को नए पंख लग सकते हैं। जेट अब एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार हो सकती है। जेट में बुरा दौर खत्म हो सकता है। एक बार फिर जेट एयरवेज के अच्छे दिन आने वाले हैं। कंगाल जेट को खरीदार मिलने की उम्मीद जग गई है। जेट को जीवनदान देने के लिए विदेशी धरती से ऑफर मिला है, क्योंकि ब्रिटेन के कारोबारी ने जेट को खरीदने की पेशकश की है, यानी अब जेट एक बार फिर उड़ान भर सकेगी। ब्रिटेन के युवा कारोबारी जेसन अन्सवर्थ ने जेट एयरवेज को नियंत्रण में लेने की इच्छा जाहिर की है। जेसन अन्सवर्थ जेट एयरवेज में 1500 करोड़ रुपए निवेश के लिए तैयार हैं। जेसन अन्सवर्थ दुनिया की अलग अलग एयरलाइंस में काम कर चुके हैं। जेसन अन्सवर्थ ने साल 2015 में एटमोस्फेयर इंटरकॉन्टिनेंटल एयरलाइंस की शुरुआत की थी। जेसन अन्सवर्थ का ये ऑफर कर्ज में डूबी जेट एयरवेज के कर्मचारियों और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। बैंकों के इमरजेंसी फंड नहीं मिलने के बाद जेट एयरवेज ने 17 अप्रैल को अपनी सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी थीं। फिलहाल जेट एयरवेज का मालिकाना हक SBI बैंक के पास है। हिस्सेदार खरीदने के लिए जेसन अन्सवर्थ ने SBI बैंक के कर्मचारियों से बात की है। जेसन अन्सवर्थ के अलावा जेट में 4 कंपनियों ने बोली भी लगाई है। एहतियात एयरवेज, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, TPG कैपिटल, इंडिगो पार्टनर, इन कंपनियों की बोली अगले महीने सार्वजनिक की जाएगी। एक जमाना था जब जेट एयरवेज का भारतीय एविएशन सेक्टर में जलवा हुआ करता था। 124 एयरक्राफ्ट, 650 उड़ाने, 400 डिपार्चर स्लॉट। ऐसे गौरवशाली जेट एयरवेज की उड़ान जब ढलान पर गिरनी शुरू हुई तो संभाले नहीं संभली। जेट की बैलेंस शीट विकराल घाटे का शिकार है और वो कर्मचारियों से लेकर मुसाफिरों तक की देनदार है। जेट पर कुल 15,500 करोड़ रुपए का बकाया है। जेट को यात्रियों के करीब 3,500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। लीजिंग फर्म्स के भी 3,500 करोड़ रुपए बकाया है। जेट एयरवेज को 26 बैंकों के करीब 8,500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। ब्रिटिश कारोबारी के ऑफर के बाद एक उम्मीद की किरण जगी है। जेट एयरवेज के हजारों कर्मचारियों की नौकरी बच सकती है, बकाया सैलरी मिल सकती है और साथ ही जेट एयरवेज को जीवनदान मिल सकता है।